हेलो स्टूडेंट्स, आपका 10th का चैप्टर 10th के मैथ में जो कर रहे हैं चैप्टर आज कल 14वां चैप्टर, ठीक है। 14वां चैप्टर का नाम हैगा अंकड़ा विज्ञान, इंग्लिश स्टैटिक्स कहने अंकड़ा विज्ञान। बड़ा सौखा चैप्टर होंगे है, इसलिए आप ये करने हैं। मैं पहला तो भी दसाया कि जिन्हें आप ऑनलाइन से कर रहे हैं वीडियोज़ राही कर रहे हो, आप आसान आसान चैप्टर करा जो वीडियोज़ राही समझ भी आए। कुछ चैप्टर इदा के कॉम्प्लीकेटड है जो बोर्ड से ही समझ आने ज़्यादा, तो वो बोर्ड से आके करा जो भी तुम्हें स्कूल लग गए, तो जून में कहते स्कूल लग जाने, तो आप इतों शुरू करा अंकड़ा विज्ञान। तो ये क्वेश्चन उस तरह के है जिदा तुम पंजवीं छेवीं से इस तरह के टेबल बना के क्वेश्चन करते हैं ना, ये बिल्कुल उस तरह के क्वेश्चन है। दसवीं अठवीं से भी किए सारे वर्ग अंतराल वाले, अठवीं तो तुम बड़ा मशहूर हो क्वेश्चन हो पे वाला है ना याद होना, तनखाह वाला मजदूर की तनखाह वाला आप बहुत किया क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन होंगे है। आप एक्सरसाइज मैं ज़्यादा डिटेल नहीं तुम दूंगा, क्योंकि ज़्यादा डिटेल फिर एकदम ही सारी डिटेल दूंगा वो तुम्हें याद नहीं रहनी। आप क्वेश्चन के नाल भी जिनी डिटेल की जरूरत है उन्नी डिटेल ले जावे चैप्टर की। पहला क्वेश्चन शुरू करा, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने वातावरण चेतना अभियान के अधीन एक सर्वेक्षण किया गया, जिस उन्होंने एक मोहल्ले के भी घर लगे पौद्या संबंधी अंकड़े इकट्ठे किए। की इकट्ठे किए? अंकड़े, आ सारे अंकड़े दिते हैं। कहिंदा पता की करो इस अंकड़े के प्रतिकार मध्यमान मध्यमान ज औसत, मध्यमान ज औसत लिखे ना, मध्यमान ही आप औसत कहने, औसत में ही मध्यमान कहने, इंग्लिश में आप कह दें एवरेज पता करो, ठीक। पौद्या की संख्या पता करो। हुण की है आप इनू जे करना शुरू करा तो पहले इनू अंकड़े समझना जरूरी है। अंकड़े समझने की गल की है कि ये दस्या कि पौद्या की संख्या 0 to 2, घर की संख्या 1। 0 to 2 पौधे जिन्हें घर से घर किन्ने हैं? 1, ठीक है। 2 to 4 पौद्या वाले घर किन्ने हैं? 2। 4 to 6 पौद्या वाले, मतलब एक घर 4 to 6 पौधे लगे हुए, वह घर किन्ने हैं? 1 ही घर इदा है जिथे 4 to 6 पौधे लगे हुए, किसी भी छोटे मोटे पौधे हो सकते। 8 to 10 पौधे किन्ने घर? 6। 10 to 12 2, तो 12 to 14 3 घर। पता की करना सानू, कहना मध्यमान पता करो। इस क्वेश्चन आप बाद मैं तुम्हें दसूँगा, इस प्रति घर इसकी मध्यमान पता करो। मध्यमान पता करो, मध्यमान मतलब कि मध्यमान का मतलब इतने पता की है, इतने पता करना कि लगभग तुम अंदाजे नाल दसना कि एवरेज तौर पर हरेक घर एक घर किन्ने पौधे है, ठीक है। तो वक् घर जितने आप उदा ही अंदाजे ना, मतलब किसी ने दसना हो कि एक घर लगभग इन्ने पौधे होने, आप मध्यमान कह दीदा, ये आप मध्यमान करना। मध्यमान मैं थोड़ा जि डिटेल तुम इतों समझा दिना कि मध्यमान होंदा की है। मन लो एक लिखा, एक क्लास विच, ठीक है, एक बच्चे को 13 किताबा, ठीक है, एक बच्चे को किन्निया किताबा? 13 किताबा है। दूजे को 10 किताबा, तीजे को 12 किताबा, ठीक है, तो चौथे बच्चे को 14 किताबा है, तो एक बच्चे को है 16 किताबा, ठीक है। इदा क्वेश्चन हो आपू कन कहना कि एक क्वेश्चन एक क्लास में एक बच्चे को 13 किताबा, एक को 10 किताबा, एक किताब को 12 किताबा, एक को 14, एक को 16 किताबा। कहना मध्यमान पता करो, मध्यमान पता करो कि ज औसत पता करो कि हरेक को किनिया किताबा, ठीक है, औसत पता करना। वह तरीका की होंगे मध्यमान क्ढना हो, मध्यमान ज औसत कह लो, इंग्लिश आप एवरेज कह दीदा, वह तरीका की है। आप करना इन सारिया किताब का जोड़ कर लेना जिन्हें अंकड़े दिते होंगे, की हो जाना 13 + 10 + 12 + 14 + 16, इन सारे का जोड़ करके बटा कर देना। यह किन्ने बच्चे है? 1, 2, 3, 4 ते 5 बच्चों का सानू डाटा दिता ना, 5 नाल इनू कर देना डिवाइड, ये आ जाना तुहाडे कोल 13, 10, 12 ते 14, 16, 6, 4, 10, 12, 12, 3, 15, यह आना 65/5, इनू आपां कट दांगे ते किन्ना आ जाना 13। इहदा मतलब इहदा मध्यमान आ, मध्यमान का मतलब कि हरेक लगभग एक बच्चे को किन्नियां किताबां? 13, ठीक है, एवरेज
ओके यही एवरेज तुम इस क्वेश्चन के लिए कढ़नी जो क्वेश्चन मैं तुम्हें पढ़ाया पर इस को आ देखो इतने मैं तुम्हें डाटा सीधा सीधा लिखाया 13-10 किताबा है ना 13-10-12 इतने उन्हें सानू डाटा दिता 0-2 पौद्या की संख्या का पता करना पा माध्यम आप इतने डाटा जोड़ा उल्ट दिता है 0-2 दिता 2-4, 4-6 इन्हों की कहने भला 8वीं भी आप पढ़िया तो इन्हों आप कहने वर्ग अंतराल की कहने वर्ग अंतराल है ना ये वर्ग अंतराल वाला टेबल है यदि एवरेज कि क्डा यदा तो उपरलिया का जोड़ होना ही नहीं है ना वैसे तरीका पता कि सार उपरलिया का जोड़ करके थलिया के जोड़ डिवाइड कर देना हूँ इन दोनों का तो जोड़ ही नहीं होना उपरलिया का जोड़ ही नहीं होना है ना तो आप एक तरीका होंगे आ वो डायरैक्ट मैथड आपू कहने आप क्वेश्चन करा नालों नाल मैं तुम दसी जावे इनू किस तरह करना सब तो पहला ये आप एक टेबल बना इस तरह ठीक है एक्सरसाइज 14.1 चार खाने बनाने 1-2-3-4 वो उपर इदा जगह होनी चाहिए लिखने लिए थले भी लिखने की जगह होनी चाहिए हूँ आप इस डाटे को फिल करना शुरू करना इस टेबल में पहला लिखा पौद्या की संख्या इनू लिखना पौद्या की संख्या ठीक है पौद्या की संख्या आ देखो दी है 0-2, 2-4, 4-6 है ना ये वर्ग अंतराल है 0-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-10, 10-12, 12-14 चलो ठीक है ये इस तरह हो गया हम दूसरी चीज़ की ही घर की संख्या आ दी है घर की संख्या इनू नाल के खाने च लिखना इनू ना आप एक चीज़ कहने होंगे बारंबारता भी इनू कह सकते हैं ठीक है बारंबारता जां इनू आप कहने होंगे इंग्लिश में कहने फ्रीक्वेंसी ठीक है आ लिखने नहीं मैं तुम्हें उदा दस दें ये भी लिख सकते हैं जां घरां दी संख्या भी तुसी लिख सकते हैं जे बारंबारता लिख दोगे तां भी कोई टेंशन नहीं घरां दी संख्या इनू एक नोटेशन दे देनी है एफ आई मतलब इहदा साइन पा देना एफ आई इनू कहने फ्रीकुएंसी ठीक है ये की आ जाना तुहाडा ये कितना दिता है 1-2-1 ये तुहानू दित्ती हुई है 6-8 वाले 5 वा 8-10 वाले कितने आ 6 6-10-12 वाले 2-3 इस तरह दित्ती है ना हुण तुसी इहदे विच एक ही चीज़ अलग करनी है उहनू आपां कहने इत्थे वर्ग चिन्ह जां मध्य बिंदु की कहने आ मध्य बिंदु ठीक है तुसी ना इनू वर्ग चिन्ह भी लिख सकते हैं मध्य बिंदु भी लिख सकते ठीक है मध्य बिंदु वो होंदा आ एक्स आई ठीक है एक्स आई उन्हूं लिखीदा आप उदा उदा नाम लिख दीदा एक्स आई वो की कढ़न का तरीका की होंदा आ कि इन दोनों का वर्ग चिन्ह कढ़न का आज मैं तुहानूं इधर ना रफली दस देना वर्ग चिन्ह कढ़न का तरीका आ आ जिहड़ा वर्ग अंतराल नूं देखना आपां आ वर्ग अंतराल इहदी आ जिहड़ी हुंदी आ तुसीं देखो दो चीज़ रकमां दित्तियां 0-2 इहदा वर्ग अंतराल की आ 0-2 दा इहदे विच जिहड़ी छोटी सीमा आ हेठली सीमा आ आ कीड़ी आ उतली सीमा मतलब ना उच्ची सीमा कह लो जां उचली सीमा कह लो इहनूं कहिंदे ना लोअर लिमिट हाई लिमिट कहिंदे आ हर लिमिट कहिंदे आ ना इहदा दोनां दा की कर देना जोड़ आ लोअर लिमिट दा वी ते हाई लिमिट दा की कर देना जोड़ ते 2 दे नाल भाग कर देना 0-2 हर वारी 2 ना ही भाग करना ठीक है ये आ जाना तो देखो 2 तो बटा की आ गया 2 2 नूं 2 ना भाग की 1 आ गया यह आ गया 1 इन्हां दोनों की भी आ लोअर लिमिट आ ये की आ हायर लिमिट आ ठीक है लोअर का मतलब छोटी रकम हायर का मतलब वड्डी रकम ठीक है 2-4 का जोड़ 2+4 जोड़ ठीक है फिर डिवाइड भी करना 2 दे नाल हर वारी 2 नाल डिवाइड करना 4-2 6 बटा कि आ गया 2 एक ना आ गया 3 ठीक है पता लग गया 3 ये आ गया तो देखो 3 ओके हम देखो ये आसान है देखो ये ये पहले किन्ने सी 1 दूजा किन्ना आया 3 किन्ने का फर्क पै गया 2 का किन्ने का फर्क पिया 2 का है ना 2 वध गया इदा ही 2 वधाई जाओ ये 1-2 जोड़े 3 3-2 जोड़े 5 5-2 जोड़े 7 7-2 जो 9 9-2 11 11-2 13 आई बन जानी है तुहाडी एक्स आई ठीक है पहले 2 कर लो वो जिन्ना भी जोड़ पैन दिया उन्ना जोड़ पा के वधा देना फिर दसदा ये पहले 2 आप क्ढे ये कि फर्क 2 का है ना तो आप 2 जोड़ी गए कड़ के भी देखोगे ना जोड़ करके डिवाइड करके देखोगे तद भी इन्ना ही आना
फिर भी इन्ना ही आना। तो लास्ट तो तुम्हें की कर देना, इन दोनों का जोड़ गुणा कर देनी, एक्स आई एफ वाई भी लिख सकते, एफ आई एक्स आई भी लिख दो, इदा लिख दो, ठीक है, एफ आई तो एक्स आई, मतलब इन दोनों की गुणा करनी, सिर्फ आ करने की बढ़िया। ये ना क्वेश्चन सब तो सौखे क्वेश्चन नहीं होंगे, तो आप करने हैं, और ये पक्की गल होंगी कि यह जो क्वेश्चन है ना बारंबार का चैप्टर का, ये सब तो ज़्यादा पेपर इस चैप्टर का आता हों, एक खास गल है कि इस चैप्टर का जो क्वेश्चन होंगे वो पांच या छे नंबर का जो क्वेश्चन होंगे, जो वे क्वेश्चन होंगे ना वो आना होंगे, तो इसलिए ये करने बहुत जरूरी है। सो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते होंगे ये, आप कहना इन्होंने दोनों की कर देनी मल्टीप्लाई, आ मल्टीप्लाई का निशान है, जिदा मैं तुम्हें कई बार दसिया कि जो इदा लिखा फाइव एक्स, वह मतलब की है फाइव मल्टीप्लाई एक्स, आप इतने भी बस मल्टीप्लाई कर देनी एफ आई तो एक्स आई में, वन वन का वन, थ्री टू का सिक्स, फाइव वन का फाइव, सत्तू पाँचा पैंती, नौ छिके चुरुंजा, ग्यारह दूना बई, तेरह तीया उन्ताली, ठीक है, जो आ कर देना। फिर इन जोड़ कर देने, पहला इन का जोड़ कर लेना कि आया ट्वेंटी, इन का जोड़ करोगे तो ताडा आ जाना एक सौ बाहठ, कि आना एक सौ बाहठ, ठीक है। हम देखो आ जरा जोड़ किया ना, इन्हों एक चीज़ लिखी दा वो की हों कि असी सम किया, यद मतलब हों सिगमा, यदा मतलब कि सम किया कहदा किया एफ आई का, है ना, ठीक है, इन्होंने सिगमा एफ आई इज इक्वल टू ट्वेंटी, इधर तुम जोड़ करके रख देना सिगमा एक्स एफ आई तो एक्स आई बराबर एक सौ बाहठ, ठीक है, ओके समझ लगी। हुण की करना तुहाडे कोल ये आ गया, तो बाद च तुहाडा सिर्फ डिवाइड वाले सैक्शन आ जाता, तुसी की लिखना नीचे की लिखना मध्यमान बराबर, मध्यमान जिन्हों आप कह दीदा, आप भावें ना भी लिखोगे तो भी कोई टेंशन नहीं, इन्हों सीधा इदा भी लिख दीदा एक्स की बार इज इक्वल टू इन्हों दोनों की डिवाइड, कि इन्हों दोनों की डिवाइड, तुम जे तो फार्मूला लिखोगे तो चंगी गल आ, जे नहीं भी लिखोगे तद भी कोई टेंशन नहीं। मैं तुम दसा किस तरह आ, जे तो लिखोगे भी सिगमा एफ आई तो एक्स आई नू असी डिवाइड कर लगे हाँ, ये सिगमा एफ आई दे, मतलब सीधा सीधा यदी की कर देनी डिवाइड एक सौ बाहठ बटा भी, ठीक है, एक सौ बाहठ बटा भी वो आंसर आ जाना ताडा, अठो दुनी देखो सोलह, एक सौ साठ आ जाना, तो यह आ जाना अठ पॉइंट एक, दोनों डिवाइड करोगे अठ पॉइंट एक आ जाना, ठीक है, ये ताडा एक्स बार आ गया, मतलब मध्यमान आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन ताडा हो गया कंप्लीट, ओके। इनू तो पहला तो इनको तुम करो, मैं तो इन तुम होल्ड करके रख दो एक दो मिनट लिए, तुम्हें इन नोट कर लेना, आ वर्ग चिन्ह कढ़न की प्रक्रिया आ, दोनों का जोड़ करके, इन दोनों का जोड़ करके दो नाल भाग करी जाना, पहले दो ही कढ़ने, बाद वाले सीधा जोड़ करके कर देने, ठीक है। हुण इतों नोट कर लेना कि आप कढ़िया कि, ठीक है। हुण एक चीज़ उन्हें पूछी तुहानू, वो चीज़ की पूछी है, देखो कहिंदा मध्यमान पता करने लई तुसीं किहड़ी विधि का प्रयोग किया ते क्यों, यदा आंसर देना मध्यमान पता करन लई असी इनू कहने डायरैक्ट मैथड, आ डायरैक्ट है, मतलब आ दिते सीगे इन्हां दोनों दी असी की करती गुणा ते बाद विच दोनों दी भाग करके ये डायरैक्ट होया बिल्कुल, उदो बाद वाले मैथड मैं तुम्हें दसवाँगा, इनू कहने आप डायरैक्ट मैथड लिखा मध्यमान पता करने लई असी पंजाबी कहने आप प्रतख विधि कहने, पर तुसी ना इंग्लिश वाला लिखना मध्यमान पता करने लई असी डायरैक्ट मैथड दी वरतों कीती, ठीक है, कीती वो कहना क्यों कीती, क्योंकि तुम देखो ये क्यों डायरैक्ट मैथड अपना यूज हो गया, तो क्या जड़ी रकम बड़ी छोटिया छोटी दी दो चार छे अठ दस बारह इधर वाली भी फ्रीकुएंसी वाली तो होर भी छोटी, देखो एक दो एक पांच छे तीन
ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਕਮਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ। ਨਵੇਂ ਮੈਥਡ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਧਿਅਮ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਨੀਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਨੋਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ।